गाइस वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस हमने स्टार्ट करी थी फार्माकोग्नोसिस की नंबर यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट कर दी थी कल। तो उसमें हमने शुरू में देखे थे एल्केलॉइड्स और फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, ठीक है। तो इसकी हमने पूरी ड्रग्स देख ली थी। तो आज हम बात करेंगे स्टेरॉयड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड ट्राइटरपेनॉइड, इसके बारे में ये क्या होते हैं। और हम इसकी ड्रग्स देखेंगे लिक्योराइज, डायोस्कोरिया एंड डिजिटेलिस। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉलेटाइल ऑयल्स के बारे में एंड इसकी भी जो ड्रग्स हैं, मेंथा, क्लोव, सिनेमोन, फेनल, कोरिएंडर। तो सबका जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिकल क्लास, बायोसोर्स, थेरापेटिक यूजेस, सब कुछ देखने वाले हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। एंड हमारे नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप आप विजिट कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेरॉइड्स। तो जैसे आपने सिलेबस पहले शुरू में एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, आप सिलेबस याद करिए, ओके ना। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी ड्रग्स दी गई हैं। तो अगर आप जैसे समझ लीजिए फेनल आ गया पेपर में, तो फेनल आ गया। अब फेनल आपको पता होगा कि वॉलेटाइल ऑयल है, तो वहाँ पर आप वॉलेटाइल ऑयल के बारे में भी लिखाओगे ना तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। बट आपको यही नहीं पता कि फेनल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है तो आप क्या लिखोगे उसमें, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले सिलेबस को याद करिए कि अगर कोई भी ड्रग आ जाए आपसे पूछ लेगा, जैसे आपसे कोई भी दो नंबर में भी आ जाता है कि वॉलेटाइल ऑयल्स के कुछ ड्रग्स के नाम बताइए, तो आपको अगर सिलेबस याद होगा तो आप लिख दोगे तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे, नहीं याद होगा तो नहीं मिलेंगे, वही बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेरॉयड से। तो स्टेरॉयड क्या होते हैं वो देखते हैं, फिर कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं वो देखते हैं, एंड ट्राइटरपेनॉइड्स क्या होते हैं वो देखते हैं, फिर इसकी ड्रग्स देखेंगे। तो पहले बात करते हैं आखिर ये स्टेरॉइड्स है क्या। तो स्टेरॉइड्स भाई हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि हमको डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से मिल रहे थे, जो कि आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़े हैं, ओके। तो स्टेरॉइड इज अ कंपाउंड एनी ऑफ अ क्लास ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ 17 कार्बन एटम अरेंज्ड इन 4 रिंग। मतलब स्टेरॉइड हमारे ऐसे कंपाउंड है जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरली वो ऑब्टेन हो सकते हैं और हम उसको सिंथेटिक भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 रिंग से जुड़ा रहता है, मतलब 4 रिंग ऐसे जुड़ी रहती हैं कि उसमें 17 कार्बन एक साथ होते हैं, जैसे रिंग बेंजीन रिंग, वही। तो 4 रिंग ऐसे जुड़ी रहेंगे उसमें 17 कार्बन रहेंगे, ठीक है ना। इट इज़ डेराइव फ्रॉम एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। तो आपने देखा था यूनिट नंबर 1 में कि एसीटेट मेवालोनेट पाथवे में हमारे स्टेरॉइड फॉर्म हो रहे थे, तो वही बात है, स्टेरॉइड किसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं हमारे, एसीटेट मेवालोनेट पाथवे की वजह से। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है एसीटेट मेवालोनेट पाथवे का तो उसको जरूर से देख लेना, पेपर में आता ही आता है। प्लांट स्टेरॉइड पोजेस मैनी मेडिसिनल यूजेस सच एज एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल एटेक्स्ट्रा। मतलब जो हमारे प्लांट स्टेरॉइड्स होते हैं वो बहुत सारे उनके मेडिसिनल यूजेस होते हैं, जैसे एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरिया और भी बहुत सारे। तो एग्जांपल इसके देख लीजिए, जैसे ऑल सेक्स हार्मोन, जो हमारे सेक्स हार्मोन रहते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे एग्जांपल हमारे स्टेरॉइड्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है, ठीक है। दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब देखो कार्डियक नाम आ रहा है तो कार्डियक मीन्स होता है हमारा हार्ट, तो ये ऐसे ग्लाइकोसाइड हैं जो कि हमारे हार्ट पे जाकर एक्ट करेंगे और उसके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे और जो हमारा हार्ट रेट है उसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड वही हो गए। अब देखेंगे ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। तो जो हमारा मेडिसिन में मैंने आपको कितना अच्छे से पढ़ाया है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, तो अगर आपने सोडियम ये नहीं पढ़ा है पंप, इसका काम क्या होता है, इसको हम इनहिबिट कैसे करते हैं, तो एक बार जरूर से देख लेना मेडिसिन केमिस्ट्री की वीडियोस चैनल पर, ठीक है। तो इसी जो ये हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है, ओके। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंसिस्ट ऑफ अ स्टेरॉइड मॉलिक्यूल अटैचेस टू अ सुगर मोइटी एंड आर यानी कि एल्काइल ग्रुप। तो जो एक इसका जनरल स्ट्रक्चर है वो एक तो इसमें स्टेरॉइड मॉलिक्यूल होगा, स्टेरॉइड मॉलिक्यूल यानी पीछे जो पढ़े आपने 4 बेंजीन रिंग, वही, एंड एक उससे सुगर मोइटी जुड़ी रहेगी एंड एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइटरपेनॉइड। तो ट्राइटरपेनॉइड हमारे एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कंपोज होते हैं 3 टर्पीन यूनिट से, ठीक है। 3 टर्पीन यूनिट से कंपोज होते हैं उसको हम कहते हैं ट्राइटरपेनॉइड, और एक टर्पीन यूनिट में हमारे 5 कार्बन होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 है तो 5 दिया 15 कार्बन का एक ट्राइटरपेनॉइड हमारा होता है।
इट हैव एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड सिडेटिव इफेक्ट। तो ये जो ट्राइटरपिनोल होते हैं ये हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड सिडेटिव होते हैं, ठीक है। अब आप एक कमेंट करके बताना कि एंटीपायरेटिक क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं और इनका यूज सब बताना, ठीक है। एंटीपायरेटिक बताना क्या होती है, कमेंट जरूर करना सबके सब। अब इसकी देखते हैं हम ड्रग्स। तो नंबर वन ड्रग आती है हमारी लिक्योराइस। तो लिक्योराइस के सिनोनियम्स देखो, पहले मुलेठी। मुलेठी आपने जनरली सुनी होगी गाँव में, मुलेठी जो होती है वो हमारी लिक्योराइस ही कहते हैं। स्वीटवुड, लिक्योराइस रूट, ठीक है, इसके तीन अदर नेम है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका, इसका बायोलॉजिकल सोर्स आप देखिए ग्लाइकरेजा ग्लेवरा, ठीक है। फैमिली इसकी ल्यूजिमिनोसी। केमिकल क्लास है इसकी ट्राइटरपिनोल सेपोनिन, ठीक है। तो मतलब ये थोड़े अजीब नाम है, बट आप लिख कर देखो इनको, दो तीन बार लिखो आराम से याद हो जाएंगे, ओके, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दो तीन बार जगह जगह लिखो इनको, याद हो जाएंगे। केमिकल क्लास इसकी ट्राइटरपिनोल सेपोनिन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकराइजिन, ठीक है, रेजिन, एस्पार्जिन, टैनिन, गम, प्रोटीन। ज्योग्राफिकल सोर्स कुछ भी लिख दो, ज्योग्राफिकल सोर्स इंडिया तो सब में आएगा ही आएगा, पाकिस्तान, इंग्लैंड कुछ भी लिख दो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया लिख दो, ठीक है। थेरापीटिक यूजेस, थेरापीटिक यूजेस देख लीजिए इसके, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फीवर, यानी कि फीवर को कम करने में। इसके एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो करता है। एज अ स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि स्वीटनिंग एजेंट भी हम इसको यूज़ करते हैं। इट ट्रीट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो छोटी मोटी सूजन आ जाती है उसको भी ठीक करता है। इट ऑल्सो यूज इन अस्थमा, तो अस्थमा में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे एक ड्रग लिक्योराइस कंप्लीट हुई है, अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रग। गाइस नेक्स्ट ड्रग है हमारी डायस्कोरिया। तो डायस्कोरिया का सिनोनियम है यम, ठीक है, यम। बायोलॉजिकल सोर्स का डायस्कोरिया डेलोटीडिया डेल्टोआइडिया, कुछ भी कह लो, प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर लो, बट आपको नेम आना चाहिए, स्पेलिंग आनी चाहिए। फैमिली इसकी डायस्कोरियासी। देखो अब देखो, नाम है इसका डायस्कोरिया एंड बायोलॉजिकल सोर्स डायस्कोरिया डेल्टोआइडिया, तो डेल्टोआइडिया फालतू लग रहा है। फैमिली भी इसकी डायस्कोरिया ऐसी, तो ऐसी लग रहा है बस बात, मतलब नेम से ही आप थोड़ा रिलेट करके पढ़िए चीज़ों को, ओके। केमिकल क्लास है इसकी स्टेरॉइडल सेपोनिन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें डायोजेनिन एंड यमोजेनिन। ज्योग्राफिकल सोर्स इसके इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना यहाँ पर, ये जो मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर कि इतने छोटे में आप समझ रहे हो, तो ये 7 मार्क्स में आता है, पहली बात, ठीक है। अब पहली बात, दूसरी बात ये कि जो डायस्कोरिया आप समझ लीजिए, डायस्कोरिया आ गया, तो डायस्कोरिया हमारा किस में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा यही जो अब कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं इसकी, जैसे स्टेरॉयड, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, उसमें। तो आप थोड़ा उसको लिखिए कि आखिर ये स्टेरॉयड्स है क्या, फिर डायस्कोरिया बताइए एंड ऐसे लिखिए, सिनोनियम हेडिंग डालिए, फिर उसके नीचे उसका नाम यम, फिर बायोलॉजिकल तो उसको लिखिए, फिर ऐसा नहीं कि डायस्कोरिया डायलोटाइडिया पूरा लिख दिया, ऐसे नहीं, ऐसे लिखे इट हैव ऑब्टेंड फ्रॉम डायस्कोरिया डेल्टोरिया, मतलब पूरा एक बेसिक तरीके से लिखिए यार, ओके। ऐसे ही इसकी फैमिली, इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ डायस्कोरियासी, ऐसे लिखिए, ठीक है ना। थेरापीटिक जो इसके, यानी कि भाई ये हमारा मेन सोर्स काम करता है डायोजेनिन, जो एक डायोजेनिन ड्रग है हमारी, उसमें मेन सोर्स काम करता है। दिस इज वाइडली यूज इन द मॉडर्न मेडिसन इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोजेस्टेरोन एंड अदर स्टेरॉइड ड्रग, जो हमारे अदर मतलब स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन एंड अदर सेक्स हार्मोन, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काफ़ी बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, और एरेथराइटिस जो दर्द वर्द होता है उसमें। नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी डिजिटेलिस। तो डिजिटेलिस के सिनोनिम देखिए आप, फॉक्सग्लोव, इसको हम कहते हैं फॉक्सग्लोव लीव्स, लेडीज ग्लोव एंड फोलिया डिजिटेलिस, तीन नाम है इसके अदर। बायोलॉजिकल सोर्स का वही हो जाए ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस प्रोपोरिया, तो जो हमारी ड्राइड लीव्स हो जाती है डिजिटेलिस प्रोपोरिया की, उससे हमको मिलता है डिजिटेलिस। फैमिलीज की स्क्रोफुलरेसी, स्क्लोरफुलरेसी इसकी फैमिली है। केमिकल क्लास इसकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखिए, अब इसके अंदर हमको मिलते हैं दो ग्लाइकोसाइड, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, एंड कुछ अदर होते हैं वो जो डिजिटॉक्सिन, डिजोक्सिन एंड ग्लूकोज। तो जो हमको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड मिलते हैं, एक होता है पुपुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड सेकेंड होता है पुपुरिया ग्लाइकोसाइड बी। तो जब हम इनका एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइज कराते हैं, तो जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है जो पुपुरिया ग्लाइकोसाइड ए है, वो देता है हमको डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज, एंड जो पुपुरिया ग्लाइकोसाइड बी है वो हमको देता है जीटॉक्सिन एंड ग्लूकोज। अब ये डू लिखा है, डू का मतलब यही सेम कंडीशन, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, ओके। थेरापीटिक यूजेस इसके, इंक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। अब देखो ये हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स रिलेट कर रहा है चीज़ों से, तो कार्डियक यानी कि भाई हार्ट की हार्ट ऑफ कंट्रक्शन को बढ़ाएगा,
CHF के ट्रीटमेंट में हम इसको देंगे, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। इसमें थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है डायूरेटिक का, ठीक है। तो गाइस अभी हमने सिर्फ बात करी है यहाँ पर स्टेरॉइड्स वाली ड्रग की, ठीक है। अब बात करेंगे वॉलेटाइल ऑयल्स की। तो वॉलेटाइल ऑयल पहले समझते हैं, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5 ड्रग की दी हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहले समझते हैं वॉलेटाइल ऑयल आखिर है क्या। तो वॉलेटाइल ऑयल आर ऑर्डरलेस वॉलेटाइल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्स। यानी कि वॉलेटाइल हमारे एक ऐसे ऑर्डरस वॉलेटाइल प्रिंसिपल से होते हैं जो कि हमको प्लांट और एनिमल सोर्स दोनों से मिल जाते हैं। अब ऑर्डरस वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या है कि इनमें से महक या बदबू कुछ भी कह लो वो आती है। एंड वॉलेटाइल का मतलब क्या है, वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब भी हम इनको एयर में एक्सपोज कराते हैं, एयर में खुला छोड़ देते हैं, ये उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो वॉलेटाइल का मतलब यही होता है कि अगर हम इसको एक्सपोज कराएंगे एयर में तो ये उड़ जाएगी। वही बात लिख रही है यहाँ पर पूरी, दिस रिप्रेजेंट एसेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट एंड हैंस ऑल्सो नोन एज एसेंशियल ऑयल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमा। अब इनके इनके अंदर एरोमा यानी कि वही महक होती है, तो ये हमको फील करा देता है कि इसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। हम महक से ही पता लगा सकते हैं इसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब दीज ऑयल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये जो ऑयल होता है प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट को बचाता है इंसेक्ट से और एनवायरमेंटल कंडीशन से, ओके। अब बात करते हैं इसकी ड्रग्स की, किसकी, वॉलेटाइल ऑयल्स के ड्रग्स की। तो फर्स्ट है इसमें मेंथा। मेंथा के सिनोनियम देखो, अब लैब में आपने पिपरमेंट ऑयल यूज़ करा है ना, फार्मास्यूटिक्स में बहुत करा है। तो पिपरमेंट ऑयल हमारा होता है मेंथा, इसको हम बोलते हैं मेंथा ऑयल, मिंट और पुदीना। तो पुदीना खाने वाला मत समझ लेना, दूसरा है। बायोलॉजिकल सोर्स का मेंथा पिपरेटा लिन, फैमिलीज की लेविटे और लेमिसई, दोनों फैमिली कोई सी भी लिख सकते हो आप। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें एलमेंथोल, पिपरमेंट ऑयल और जैस्मिन। ज्योग्राफिकल सोर्स के इंडिया, जापान, इंग्लैंड। थेरापीटिक यूज देख लो इसके, एज अ कार्बिनेटिव, कार्बिनेटिव हमारे होते हैं जो गैस वैस को ठीक करते हैं। स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ओके। इट हैज़ माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, एंटीसेप्टिक के भी यूज़ करते हैं हम इसको, जो हमारे ये टूथपेस्ट में, टूथ पाउडर में एंड डिफरेंट डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में ये यूज़ होता है। इट ऑल्सो कंज्यूम इन प्रिपरेशन ऑफ च्यूंगम एंड कैंडीज, जो हमारे च्यूंगम और कैंडीज बनते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोव। क्लोव यानी कि लौंग, लौंग आपने जानी देखी भी है, खाई भी है। तो इसके सिनोनिम कैरोफाइलम एंड लौंग। बायोलॉजिकल सोर्स इसका यूजेनिया कैरेफाइलस, ओके। फैमिलीज की मायरेटेसी। केमिकल क्लासेस की फिनाइल प्रोपेनॉल्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके वॉलेटाइल ऑयल, यूजेनॉल, एसिटाइल यूजेनॉल और टैनिन, ठीक है ना। तो मतलब 2-3 बार लिखिए इसको जगह जगह, आप जहाँ पर ज़्यादा आपका फोकस रहता है वहाँ पर, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ज्योग्राफिकल सोर्स इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका। थेरापीटिक यूज इसके एंटीसेप्टिक होगा, एंटी कैंसर होगा, एंटी बैक्टीरियल होगा, जो टूट है यानी कि जो दांतों में दर्द होता है उसमें भी हम लौंग जैसे कहते हैं ना गांव में कि लौंग लगा लो दांतों के बीच, तो इसमें मतलब इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो दांतों के दर्द को ठीक कर रही है वही। एंड लोकल एनास्थेटिक भी यूज़ होता है इन टूथपेस्ट फॉर्मुलेशन, यानी कि टूथपेस्ट में भी हम इसको डालते हैं। इट इन ऑल्सो कॉस्मेटिक प्रॉपर्स, यानी जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती है उसमें भी ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं भाई सिनेमोन ड्रग। तो सिनेमोन यानी कि दालचीनी, दालचीनी एक ऐसा वो होता है ना, एक मसाले में हम यूज़ करते हैं दालचीनी को, तो वही सेम सिनोनियम इसके दालचीनी और सिनेमोन बार्क। बायोलॉजिकल सोर्स इसका सिनेमोनम जेलनेशियम, ठीक है। फैमिलीज की ल्यूरासी। केमिकल क्लासेस की एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, ध्यान रखना केमिकल क्लासेस की एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होंगे वॉलेटाइल ऑयल, सिनेमेनिक, एल्डिहाइड और पीन और स्टार्च। ज्योग्राफिकल सोर्स इसका इंडिया, अफ्रीका। थेरापीटिक यूज इसके देखो, मैंने अब यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया कि कार्बिनेटिव, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, माइल्ड एस्ट्रीजेंट, इन प्रिपरेशन ऑफ, मतलब आप अब तरीके से लिखना पेपर है कि इट इज ऑल्सो यूज एज अ कार्बिनेटिव, इट इज ऑल्सो यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब पूरा लिखना। कार्बिनेटिव यानी कि गैस वैस को ठीक करेगा, एरोमेटिक यानी कि भाई एरोमेटिक है इसके अंदर से एरोमा आती है, फ्लेवरिंग एजेंट है, एंटीसेप्टिक है, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब आप कमेंट करके बताइए मुझको एस्ट्रिंजेंट क्या होता है, ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ कैंडीज एंड परफ्यूम्स, ओके। अब गाइस नेक्स्ट ड्रग है हमारी फेनल। फेनल यानी कि फेनल होता है हमारा सौंफ। सौंफ आपने खाई है ना, जो रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो फिर वहाँ पर सौंफ खाते हो, तो वही वाली सौंफ। सिनोनिम देख लो इसके, स्वीट फेनल और सौंफ और फोनिकुलम। बायोलॉजिकल सोर्स इसका फोनिकुलम बल्गेरी। फैमिलीज की अम्बेलीफेराई। केमिकल क्लासेस की कीटोन ग्रुप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। अब पीछे वाली ड्रग थी एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल और यह है कीटोन ग्रुप ऑफ वॉलेटाइल ऑयल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होंगे वॉलेटाइल ऑयल, फेनल ऑयल,
एनिसिनिक एसिड और एनिसिनिक एल्डिहाइड। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्सेज के इंडिया, चाइना, अफ्रीका। थेरापीटिक यूजेज के हो जाएंगे कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, डायोरेटिक, एरोमेटिक, फ्लेवरिंग एजेंट, पेन रिड्यूसिंग, फीवर रिड्यूसिंग। ठीक है, अब आपको जिसका भी मतलब नहीं पता होगा ना, मुझको कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग है हमारी इस कैटेगरी की कोरिएंडर। कोरिएंडर धनिया, धनिया पाउडर आता है ना, तो उसी को हम कहते हैं कोरिएंडर। सिनोनिम इसके धनिया, किलांट्रो, चाइनीज पार्सले। बायोलॉजिकल सोर्स का कोरिएंड्रम सैटिरम सैटिवम। फैमिलीज की अम्बेलीफेराई, वही। केमिकल क्लासेस की एसाइक्लिक मोनोटरपिन्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वॉलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन्स, कैम्फर, लिमोनिन। ज्योग्राफिकल सोर्सेज के इंडिया, चाइना। थेरापीटिक यूज के यूज्ड एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब हम इसको टॉपिकली यूज करते हैं एज अ ऑइंटमेंट। फ्लेवरिंग एजेंट है एक हमारा धनिया, आपको पता है ना कितना अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट है, वही। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रियोमेटेटिक डिसीज, यानी कि वही जो दर्द वर्द होते हैं हाथों पैरों में, उसके लिए भी। यूज्ड इन स्टोमक क्रैम्प, यानी कि जो पेट में दर्द वगैरह होता है, कब्ज वब्ज हो जाते हैं, तो धनिया उसमें भी काफ़ी यूजफुल है। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो में ये स्टेरॉयड वाला एंड वॉलेटाइल ऑयल, तो यहाँ तक चार तक कंप्लीट हो चुका है, ये चार बची हैं, तो दो दो करके इसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो ये जो एल्कलॉइड और फिनाइल प्रोपाइड जो कल हो चुके थे, मैंने इनके नोट्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, आज मैं शेयर कर दूंगा स्टेरॉयड और वॉलेटाइल ऑयल के, ठीक है ना, तो देख लेना एक ग्रुप में जाकर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।